Welcome back to our channel. I'm Shweta. And I'm Shreya. So guys, we are back with another video today. और आज हम लोग reaction देने वाले हैं। गौरव के official trailer पे। Yes, तो बहुत excitement थी कि कब trailer out होगा। और जैसे ही ट्रेलर आउट हुआ हमारे पास नोटिफिकेशन भी आए, हमारे पास आने लगे कमेंट्स भी, ट्रेलर आउट हो चुका है, इवन सॉन्ग्स भी आउट हो चुके हैं, मतलब तो उसपे रिएक्शन लेके आने, तो हम ट्रेलर पे रिएक्शन लेकर आए, हम सॉन्ग पे भी रिएक्शन लेकर आएंगे, आप बने रहो हमारे साथ। जैसे कि आपको पता है कि इसमें शाकिब खान है, सोनम चौहान है, और इसके पहले ग्लिम्स आया था, टीजर आया था, हमने रिएक्शन दिया था और हमें बहुत अच्छा लगा था। आपने अगर नहीं देखा है तो देख लो जाके, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट ट्रेलर देख लेते हैं ना, आफ्टर दैट वी विल गिव आवर रिएक्शन। तो स्टार्ट करें। देखो तो कैमन लगते বললে থানায় গিয়ে সব দোষ স্বীকার করবে। জান, সারেন্ডারই যখন করবো তখন ভিলেন হিরো সেজেই করবো। করেছো মন ঝট করে, চোখের ক্যামেরায় জুম করে। ফাতেমা, আমি তুলু মিয়া, চোখের ক্যামেরায় তোমাকে ভালোবাসি, বিয়ে করবে আমাকে? সবাইকে দেখে বলে দেবো তুমি আমার সারপ্রাইজকে খুন করেছো। আমি খুন করিনি ম্যাডাম, খুনটা উনিই করেছে। আমরা ভুল পথে এগোচ্ছি। দিস ইজ নট আ নরমাল কেস। আমি তাহলে জিতেই গেলাম। তুমি আবার কাউকে খুন করতে যাচ্ছ? তুমি আমি বিশ্বাস করতে চাও না কেন বলো তো? दिस वॉज द ट्रेलर। सो बेसिकली जहां तक मुझे लग रहा है ही इज अ सीरियल किलर, साइको प्लस सीरियल किलर है वो। साइको है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है उनको, साइको है वो। जैसे कि वो एक हिंदी सीरियल था इश्क में मर जावा, उसमें जो अलीशा पनवर थी उन्होंने दो कैरेक्टर प्ले किया था, वो साइको बट उनको पता है ऐसा नहीं। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ऐसा होता है कि एक अलग पर्सन होता है, फिर उनका एक और पर्सनैलिटी होता है, उनको याद नहीं होता कि वो क्या कर रहा है उस पर्सनैलिटी में। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उनको याद है कि वो क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली ही इज अ साइको सीरियल किलर। एंड हमें बेसिकली ग्लिम्स में लगा था कि शायद पहले वो अच्छे होते हैं और उनके साथ कुछ हो जाता है, जो जिससे वो प्यार करता है, दैट्स व्हाई वो ऐसे बन जाता है। बट ऐसा नहीं है एक्चुअली, वो वैसे ही है। दिखाना, बट एक्टिंग बहुत सही की है यार। मुझे सच बताओ तो बहुत दिन के बाद एक यूनिक प्रोजेक्ट दिखा है, बहुत दिन के बाद। वरना अभी सिर्फ एक्शन 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 एक्शन, वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन ही आ रही थी, थोड़ी बहुत चेंज हो रही थी। बहुत टाइम के बाद ऐसा कुछ यूनिक स्टोरी लाइन देखने को मिला है, एंड दिखाया भी इस तरीके से गया है कि वो सही में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड आई थिंक ये मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, या क्योंकि जिस तरीके से इसका
प्रेजेंट किया है इन्होंने ये ट्रेलर, एंड मूवी भी अगर ऐसी ही रही इस मतलब ट्रेलर जिस लेवल का है, मूवी भी अगर इसी लेवल की हुई तो फिर मूवी ब्लॉकबस्टर जाने वाली है, क्योंकि मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज है इस मूवी में। और ऐसे देखने में मजा आता है ना, जैसे मिस्ट्री होती है, थ्रिलर होता है वो, खास करके वो जो सस्पेंस एंड में खुलता है पूरी कहानी में, ये सब ऐसे ही हमें होता है, मतलब एंड में पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा था, मुझे क्यों ऐसा कर रहे थे। बहुत सही लगती है ऐसे फिल्म, वो बोला ना कि पायल में जितना दिख रहा है उससे कहीं अलग है ये, कि वो पायल जो है वो भी टॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेस है, शी इज अ टॉप एक्ट्रेस, एंड सोनल चौहान की तारीफ करनी होगी जिस हिसाब से उन्होंने, बहुत सही लग रहा है यार, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो नॉन बंगाली एक्ट्रेस है। एंड शाकिब खान की तो भाई बात ही अलग है, बहुत ही लेवल, मतलब आज तक 3-4 उनके मूवीज के ट्रेलर पे हमने रिएक्शन दिया, एंड सारे मूवी में उन्होंने इतना अलग अलग रोल निभाया है, एंड लेजिट मानना पड़ेगा, मतलब उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, उनकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मतलब एक एक्टर में भूख होती है ना कि मैं अलग अलग प्रोजेक्ट करूं, अलग अलग रोल प्ले करूं, अपना जो वर्सेटाइल एक्टर है वो बहुत ज्यादा, अपने अंदर जो एक वर्सेटाइलिटी है वो मैं दुनिया को दिखाऊं, वो दिखती है उनमें, दैट्स व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्टर्स। हम बिल्कुल भी ये नहीं बोलेंगे कि उनकी जितने भी हमने प्रोजेक्ट पे रिएक्शन दिया है वो सेम है, बिल्कुल भी नहीं है, सारे अलग है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कहीं से कहीं लिंक हो जाए, बिल्कुल डिफरेंट। वो रोमियो काइंड ऑफ रोमांटिक बॉय के कैरेक्टर में भी देखा था हमने उनको, साइको में भी देखा हमने उनको, वो दर्दनाक कैरेक्टर प्ले करते हुए भी देखा हमने उनको, तूफान में एकदम रफ एंड टफ कैरेक्टर प्ले करते हुए भी देखा। सो वॉट इट, उनके प्रोजेक्ट्स में रिएक्शन देना बहुत ही ज्यादा वॉट इट लगता है, एंड मजा भी बहुत आता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट चूज करते हैं वो, ऐसा नहीं कि घिसा पिटा सेम ही प्रोजेक्ट चूज कर लिया, इनके प्रोजेक्ट में एक चीज जो बहुत सी होती है, सारे स्टोरी लाइन अलग होते हैं, हर फिल्म का स्टोरी लाइन आप देख कोई भी उठाकर देख लो, आपको कोई भी एक दूसरे से मैच खाता हुआ नहीं दिखेगा, सारा एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा ही होना चाहिए कि आप अपने ऑडियंस को एंटरटेन करो अपने अलग अलग प्रोजेक्ट से। यस सो यस वी आर मतलब हुक्ड रखो, एंड वो हुक्ड रखते हैं, कोई बोलेगा इन्होंने तूफान प्ले किया था, अभी कुछ मंथ्स ही हुए आए हुए और अभी ये, सो यस वी आर रियली एक्साइटेड। 15 नवंबर को मूवी रिलीज हो रही है। सो यस गाइज, दिस वॉज आवर रिएक्शन, वी होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा हैंडल्स दिए हुए हैं, अगर आप हमें अभी फॉलो करना चाहो तो आप हमें फॉलो कर सकते हो। अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।